नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार था कि CBSE बोर्ड और भी हर एक राज्य के अपने अपने बोर्ड इन बच्चों के भविष्य के बारे में क्या फैसला करते हैं, तो जैसा कि पहले ही 11वीं तक की सभी परीक्षाएं ज़्यादातर बोर्ड्स में कैंसिल कर दी गई थी, उनका आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे रिजल्ट बनाया गया था, तो उसी तर्ज पे 12वीं बोर्ड की परीक्षा जो CBSE बोर्ड की है वो कैंसिल कर दी गई है। तो कल की ये न्यूज है, कल शाम को निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी उसमें छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। और ये जो आप न्यूज़ देख रहे हैं ये दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई है। इसके बाद अब बच्चों का जो मूल्यांकन है या रिजल्ट जो तैयार किया जाएगा उसके बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया है, जल्द ही उसका निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने भी बहुत ही खूबसूरत हेडिंग लिखी है, बच्चों आप अनमोल, परीक्षा नहीं। तो बच्चों आप बेफिक्र हो जाइए, आपको CBSE के अभी अभी दूसरे बोर्ड्स के बारे में नहीं निर्णय लिया गया, राजस्थान बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड आज फैसला करेगा कि क्या करना है, लेकिन पूरी संभावना है कि वो भी परीक्षा नहीं करवाएगा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट बनाएगा। तो दैनिक भास्कर ने एक खूबसूरत हेडिंग लिखी है, बच्चों आप अनमोल, परीक्षा नहीं। ठीक है, तो आपको ये सूचना कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी सूचनाओं के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।